Hello everyone and welcome to Civil Stab YouTube channel. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिज्ञासा सेशन में जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इश्यूज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड डीएम विच हैपेंड इन द प्रीवियस वीक सो सिक्सटीन से लेकर के ट्वेंटी फर्स्ट फेब टू तक के एक वीक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक उसकी डिस्कशन जो है हम लोग आपके साथ करेंगे विदाउट एनी डिले लेट एस स्टार्ट विद फाइव टॉपिक्स जो आज हम पिक करने

ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम विच इज एन इंटरनेशनल इनिशियेटिव जो कि uh, चलाया जा रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी डिस्कशन आपके साथ होगी एंड फाइनली एनिमल इज अ लिविंग फॉसिल जिसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई हैं रिसेंट टाइम्स में ये फाइव टॉपिक्स आज की जिज्ञासा में हम लोग पिक करने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन को दिस क्वेश्चन इज गिविंग अस सिक्स डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मोनॉक्साइड कार्बन मोनॉक्साइड एंड अमोनिया एंड हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज अब आर इंक्लूडेड इन दी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आई होप आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करने के बाद एयर की क्या क्वालिटी है एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है गुड क्वालिटी की एयर है पुअर uh, क्वालिटी की एयर है वेरी सीवियरली पॉल्यूटेड एयर है नॉर्मल नॉर्मली पॉल्यूटेड एयर है अलग अलग कैटेगरीज में अगर आप एयर की पॉल्यूशन को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर इंडेक्स सो इस इंडेक्स में कौन से पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड किए गए उसकी बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड वेरी मेजर पॉल्यूटेंट जो कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग पे रिलीज होता है अब आपको बता होना चाहिए सल्फर ऑक्साइड मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड योर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट जो कि एयर पॉल्यूशन को uh, काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसके बाद बात, बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड इज अकरिंग गैस इन दी ट्रोपोस्फेर कार्बन uh, डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम हैं, रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो अलग अलग सोर्सेज uh, से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती रहती है बट दिस इज नॉट अ वेरी सीरियस पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा सीरियस पॉल्यूटेंट नहीं है एटमोसफेयर में जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है स्पेशली इन दी ट्रोपोस्फेर स्पेशली इन द सर्फेस वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए या लिविंग एनिमल्स के लिए क्रिएट नहीं करते हैं देन नाइट्रोजन मोनॉक्साइड एन ओ अ वेरी रेयर कंपाउंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नॉट यूजली फाउंड इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट तो इसलिए नाइट्रोजन मोनॉक्साइड भी जो है बहुत बड़ा पॉल्यूटें नहीं बन सकेगा कार्बन मोनॉक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड यूजुअली कंबशन में जनरेट नहीं होता है कुछ तरीके की कंबशन जो इनकम्प्लीट रह जाती हैं आइदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू कंट्रोल कंबशन वहां से कार्बन मोनोक्साइड गैस रिलीज होती है ये एक पॉइजनस गैस है एंड एनिमल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है देन कम्स अमोनिया अमोनिया इज ऑलसो गैस विच इज़ यूजअली फाउंड इन द लोअर एटमोसफेयर स्पेशली नियर द सर्फेस एग्रीकल्चरल फार्म से और दूसरे एरिया से अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होती रहती है एंड दिस अमोनिया कार्बन मोनऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑल दीज फोर पॉल्यूटेंट्स दे आर पार्ट ऑफ द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स करेक्ट आंसर विल बी सी वन टू फाइव एंड सिक्स तो थ्री फोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट बाई द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स तो हम अब थोड़ी से कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई बाई ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से ग्रीन पीस आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्या है ग्रीन पीस अगर आप लोगों को नहीं पता है व्हाट इज ग्रीन पीस आई वांट कि आप जाके ऑनलाइन सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि डू यू नो व्हाट ग्रीन पीस इज क्या ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है क्या ऑब्जेक्टिव है क्या एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो भी आप लोगों को मुझे बताना है एंड जो रिपोर्ट आई है ग्रीन पीस की तरफ से उसमें उन्होंने क्या उन्होंने कंट्री 54,000 uh, deaths were there इन 2020 because of air pollution, राइट एंड दिस इज इन एडिशन टू द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ pollution. यानी कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी पे करना पड़ रहा है इकोनॉमिकली भी हमारा नुकसान हो रहा है और जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है लोगों की जाने जा रही है लोगों की जो हेल्थ है वो खराब हो रही है वो भी अलग से एक कॉस्ट है एक अलग से बर्डन है और ये इंडिया के ऊपर टला हुआ है इस रिपोर्ट को नाम दिया गया इकोनॉमिक कॉस्ट टू इंडियन सिटीज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन इस रिपोर्ट में दिल्ली मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद चेन्नई लखनऊ इन सिटीज़ के बारे में मेजर करके बताया गया कि 54,000 डेथ्स एंड 58,000 एट का लॉस हुआ 2020 के अंदर टू द सिटी ऑफ दिल्ली मुंबई की बात करेंगे ट्वेंटी डेथ्स एंड अबाउट ट्वेंटी सिक्स आपके डूब गए बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन सो ये चीज दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज एंड स्पेशली इन दॉर्दर्न पार्ट फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल जो सिटीज हैं उनका एयर पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है नुकसान का काम कर रहा है अगर हम फेटेलिटी ड्यू टू एयर पॉल्यूशन की बात करें कि किन लोगों की डेथ हो जाती है तो कुछ डेटा डब्ल्यू एच ओ की तरफ से आया है डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि टॉक्सिक एयर यानी एयर पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल रिस्क ऑफ अर्ली डेथ यानी कि जितने नेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ हैं जो इन्वायरमेंटल रिस्क हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका एयर पॉल्यूशन है एच आई वी ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया ये थ्री जो बहुत ही फेटल डिजीजेस हैं हैं बहुत ही सीरियस डिजीजेस इन तीनों डिजीजेस से होने वाली जो टोटल डेथ्स हैं एक साल में उससे ज्यादा डेथ्स आपको एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हुई दिख रही है राइट सो दिस एयर पोल्यूशन इज नॉट अ वेरी ट्रिवियल इशू इट इज अ वेरी सीरियस इशू वर्ल्ड बैंक ने टू में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा

उनका नंबर्स कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स की जो है डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड देन इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक कॉस्ट झेलना पड़ेगा क्लियर इंडिया के सिनेरियो में अगर हम देखें तो इंडिया में पॉल्यूशन की हालत बहुत खराब है स्पेशली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आउटडोर और हाउस यानी इनडोर दोनों लेवल्स पे पॉल्यूशन जो है एयर का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड 1.67 मिलियन डेथ्स अराउंड 16 लाख डेथ्स हैपेंड बिकॉज ऑफ स्ट्रोक हार्ट अटैक डायबिटीज लंग कैंसर क्रॉनिक लंग डिजीजेस डिजीजेस एंड नियोनेटल बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन राइट सो ये डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं दिस डेटा इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मीन एग्जामिनेशन चाहे जीएस वन के पेपर में ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो जो पॉल्यूशन को टच कर रहा है या जीएस थ्री के पेपर में जहां पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का टॉपिक आपको आता है या फिर इवन इन पेपर ऑफ जहां पे गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो किस तरीके से एयर पोल्यूशन को टैकल कर रही है उस पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं सो so ये जो डेटा हम यहां शेयर कर रहे हैं इस डेटा को जरूर अपने नोट्स में आप लोग इंक्लूड करिएगा और इस डेटा को एज एन एग्जाम्पल और एज अ फैक्ट टू प्रूव योर आर्ग्यूमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं मेन्स एग्जाम के अंदर भी राइट right? अब एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है ये सभी चीजें हमें पता है दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स में हो रहा हो इंडस्ट्री में हो रहा हो थर्मल पावर प्लांट्स में हो रहा हो हमारे घरों में हो रहा हो कभी भी हम किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स को सम एमिशन आर रिलीज एंड पोल्यूटेंट्स दे आर मेनली मेनली अनबर्ड कार्बन कार्बन मोनोक्साइड अगर अच्छे से कंबेशन नहीं हुआ सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रेट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ एश वो आपकी रिलीज होती है बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन राइट उसके बाद एग्रीकल्चर एलाइड सोर्सेस की बात करें एग्रीकल्चर से बहुत सारा ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है गैसेस लाइक अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वो फार्म से रिलीज होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज इन इंडिया वी यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन आर ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर आप यूज करोगे तो ये फर्टिलाइजर डिग्रेड होकर डिकम्पोज होकर अमोनिया में कन्वर्ट होगा और अमोनिया से तुरंत एटमोस्फेयर में जाएगा और एटमोस्फेयर में नाइट्रोजनस पॉल्यूशन को क्रिएट करेगा नॉट अ वेरी गुड थिंग इसके साथ नेचुरल uh, सोर्सेज भी हैं पोल्यूशन के लाइक डस्ट स्टॉम्स वोल्केनोस फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा जिनकी वजह से एयर में बहुत सारे पॉल्यूटन सेंटर करते हैं मैन मेड फैक्टर्स भी हैं जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत सारा सस्पेंडेड मैटर रिलीज हो जाता है एटमोस्फेयर में बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ओपन गार्बेज बर्निंग हम लोग कर रहे हैं ओपन प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड जाकर एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं सो दीज आर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन बट वट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू कंट्रोल पॉल्यूशन ये चीज भी मैंने यहाँ आपके लिए कर दी हैिटी uh, है, है, है. दी गई थी एनसीआर के आसपास के एयर पॉल्यूशन को आप लोग कम करेंगे बी एस सिक्स नॉर्म्स को ला दिया गया है वेहील दी न्यू वही आर बींग मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन इंडिया दे आर बी एस सिक्स कंप्लाइंट वो बी एस सिक्स ग्रेड का फ्यूल यूज करेंगे जो कि क्लीनर फ्यूल है और कम पॉल्यूशन को क्रिएट करता है देन द्वारा लिए गए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी स्टैच्यूटरी बॉडी एट द नेशनल लेवल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन उन्होंने ही नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया है और नेशनल अंबियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इसको भी स्टार्ट किया यानी कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना है उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना है ये सारी चीजें भी की जा रही हैं राइट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन से पॉल्यूटेंट्स को हम यूज करते हैं टू अराइव एट दी एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज पॉइंट फाइव पीएम टेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनॉक्साइड ओजोन अमोनिया एंडलेट ये सभी पॉल्यूटेंट्स अर्बन एटमॉस्फेयर में किस कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है उसको यूज करके उस पर्टिकुलर सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स डिसाइड किया जाता है ठीक है अब जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है कैसे मेजर होगा ये मेजर होता है थ्रू द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क मॉनिटरिंग नेटवर्क अलग है जो कि एयर क्वालिटी को मेजर करता है एयर क्वालिटी को मेजर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि पीएम 2.5 का क्या अमाउंट है पीएम 10 का क्या अमाउंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या अमाउंट है और फिर इन पॉल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी सिटी के अंदर एयर क्वालिटी की क्या हालत है इज इट गुड ज इट वेरी गुड इज इट पुअर इज इट सीवियरली पुअर और इट इज एक्सट्रीमली पुअर इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरीज में एयर क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं राइट सो दीज आर डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्टेड बाई देंट्रल गवर्नमेंट इसी के साथ एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यू एच ओ ने भी फोर पिलर स्ट्रैटेजी दी है कि हमें रिसर्च करनी है नॉलेज बेस बढ़ाना है मॉनिटरिंग करनी है ग्लोबल लीडरशिप चाहिए कंट्रीज को आपस में कोलाबरेट uh, करना है और हमारी की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है यानी कि जो भी हमारे गवर्नमेंट uh, की बॉडीज हैं या दूसरी अर्बन बॉडीज हैं पॉल्यूशन को कम करने की रिस्पॉसिबिलिटी जिनके पास है उनकी स्किल्स को भी डेवलप करना है राइट right? सो so, ये जो सारा मटीरियल है दोस्तों ये सारा मटीरियल आपको मिलने वाला है इन योर मेन्स फॉर्डर ऑल्सो और ये सारा जो मेन्सर है वो आपको जीएस थ्री जीएस वन एंड जीएस टू जैसा मैंने आपको बताया वहां पर काम आ सकता है सो so, ये सारे फैक्ट्स को भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसको बार बार रिवाइज भी करेंगे नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन right? और इन करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा सेकंड वन से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज प्रोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ दिस सेंचुरी हरन वाइल्ड लाइफ वाटरफॉल इज लोकेटेड विद इन दिस सेंचुरी अब देखो हो सकता है कि आपको हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हर नेशनल पार्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ना हो राइट तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है लेकिन लेट अस से कि हमें पूरी नॉलेज है तो मैं आपको आंसर पहले बता देता हूं फिर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बिल्कुल कारलापाट जो है यही लोकेटेड है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज प्रोमिनेट वेजिटेशन ऑफ दिस सेंचुरी अब कारलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर ओडिशा में लोकेटेड है तो वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे आ सकते हैं ठीक है दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू नहीं होंगे बिकॉज वी नो दैट इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दे आर लोकेटेड इन ओनली लिमिटेड एरियाज कौन से वो एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं ठीक है साउथ इंडिया की जो हिल्स हैं कार्डमम हिल्स अनामलाई हिल्स जावाड़ी हिल्स पालनी हिल्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अंडमान निकोबार में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स हैं हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा मणिपुर यहां पर आपको ट्रॉपिकल और मेघालय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ओडिशा जो कि ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है ईस्टर्न घाट्स वहां पे जो है पास कर रहे हैं वहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे भी अगर आपको ऐसी वेजिटेशन दिखती भी है इट विल नॉट बी प्रोमिनेंट वेजिटेशन ट वेजिटेशन वो होती है जो ज्यादा मात्रा में पाई जाए बट दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट इज नॉट वेरी डॉमिनेंट नॉट प्रोमेंट इन दस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया क्लियर यह चीज हमारी जोग्रफी की हमें हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में अब सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट राइट अगर हमें पता है सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वी कैन ऑलरेडी एलिमिनेट दीज ऑप्शन दो ऑप्शन चले गए बी एंड डी बचा है और यहां पर अगर हम देखेंगे कि वन एंड थ्री में से अगर हमको क्लासिफाई uh, करना हो कि वन एंड टू दोनों हमारी स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं तो वन स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग ओडिशा में ही लोकेटेड है पुरलीहरन वाइल्ड लाइफ वाटरफॉल इज ऑल्सो लोकेटेड विद इन दिस सेंचुरी दिस इज ऑल्सो करेक्ट ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज इन सो हमारा ऑप्शन आएगा बी ठीक है तो यहां पर यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करला पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड है ये पता होना चाहिए था और बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है उसका आंसर हमारा ऑटोमेटिकली आ रहा है लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्टेक्ट पहले देख लेते हैं वाई वी आर टॉकिंग अबाउट करला पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज रिसेंटली सिक्स एलिफेंट्स डाइड ड्यू टू अ डिजीज नोन एज हेमरेजिक सेप्टीसीमिया इन जस्ट फोर्टीन डेज चौदह दिन के अंदर आपके सिक्स एलिफेंट्स की डेथ हो गई है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंड दिस इज द रीजन बाय दिस सेंचुरी इज इन न्यूज राइट नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट हैमरिजिक सेप्टिसीमिया ये आपका एक डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया और सॉय इन्फेक्शस डिजीज है और यही डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दीज सिक्स एलिफेंट्स इन द डिजीज द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंगस ऑफ द एनिमल्स आर एफेक्टेड लीडिंग टू सिवियर निमोनिया ये जो बैक्टीरिया है निमोनिया क्रिएट कर देता है एनिमल्स के अंदर और बहुत सारी स्पीशीज वॉटर बफेलो कैटल बाइसन वो उनको ये डिजीज अफेक्ट करती है हाई मोर्टेलिटी है इस डिजीज की यानी कि जिस एनिमल को ये डिजीज हो रही है ज्यादा चांसेस हैं कि उस एनिमल की डेथ हो जाएगी देन रिसेंटली फोर्टी बफेलोज हैड सकम टू द इन्फेक्शन इन ओडिशास केंद्रापारा एड डिस्ट्रिक्ट टू कालाहांडी वहां पर भी uh, बफलोस की डेथ हुई है एंड दिस डिजीज जनरली स्प्रेड इन पीरियड राइट बिफोर एंड आफ्टर दी मॉनसून मॉनसून से जस्ट पहले और मॉनसून के जस्ट बाद आपका ये जो सीजन है उसमें ये डिजीज सबसे ज्यादा डॉमिनेंट रहती है अब हम बात करते हैं कालला पार्ट वाइल्ड सेंचुरी की ओडिशा के अंदर लोकेटेड है वन सेवेंटी फाइव स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इन दी काला डिस्ट्रिक्ट ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं थ्रू आउट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इंडिया के अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करोगे ओडिशा से लेकर सदन आंध्र प्रदेश तक आपको ड्राई वेजिटेशन या मॉइस्ट वेजिटेशन देखने को मिलती है ओनली इन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कोस्टल तमिलनाडु एंड सदन कोस्टल आंध्र प्रदेश यू गेट टू सी ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट राइट बट दीज आर नॉट अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ड्राई एवर ग्रीन फॉरेस्ट जो आपको बहुत छोटे छोटे एरियाज में देखने को मिलते हैं क्लियर है देन फोना की बात करो तो बर्ड्स रेप्टाइल्स फ्लोरा मैमल्स ऑल ऑफ दम देर फाउंड इन अबिकुलर एरिया वॉटरफॉल इज लोकेट विद इन दिस पर्टिक्युलर सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारी सेंचुरी है ईस्टर्न घाट्स की टिपिकल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है क्लियर नेक्स्ट आप लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर थ्री दिस क्वेश्चन इज अबाउटीज मैंडर इन डक स्पीशीज तो यूपीएससी की अक्सर आदत है हम लोगों ने पिछले ट्रेंड्स को देखकर हम ये बिल्कुल गेस लगा सकते हैं कि एक या दो एग्जॉटिक स्पीशीज या पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछ देता है कभी खराई कैमल होता है वो एनिमल कभी वो एनिमल कोई प्लांट हो सकता है आ, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है जिसके यूज़ के बारे में पूछ लिया जाए इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में पूछा जाता है आ, बर्ड्स की स्पीशीज कौन कौन सी हैं रिसेंटली एक क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था यूपीएससी प्री में सो उसी ट्रेंड पे अगर हम मैंडरिन डक की बात करें तो न्यूज में चल रही है डक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर दिस ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इट इज नेटिव टू साउथ एशिया एंड इट्स स्टेटस इन आई रेड लिस्ट इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है हमारी मैं डक तो काटेक्ट सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं रिसेंटली बहुत समय बाद एक बर्ड जिसका नाम हैिन डिंग इंडिया में नहीं पाई जाती बहुत रेयरली साइट होती है इंडिया के अंदर वो बर्ड को हमने देखा है मागुरी मोटापोंग बिल इन दी आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और इससे जो एनिमल कंजर्वेशनिस्ट है उनको काफी खुशी हो रही है क्योंकि ये जो बर्ड है सबसे पहले दिस बर्ड जो है टेम्परेट फॉरेस्ट में इनहेबिट करती है यानी कि हायर लेटिट्यूड्स के जो फॉरेस्ट है वहां पर हैबिटेट करती है यूजली नियर वेटलैंड्स लाइक रिवर स्ट्रीम्स फ्रेश वाटर लेक्स एट्सेट्रा ये जो बर्ड है इट इज नेटिव टू ईस्ट एशिया यानी कि ईस्टर्न चाइना जापान और रशिया का जो सदर्न पोर्शन है वहां पर ये जो बर्ड्स हैं नेटिवली बिलोंग करते हैं बट दे आर ऑल्सो माइग्रेटरी बर्ड्स दे ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर देयर माइग्रेशन और जो ये ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल इंडिया के ऊपर हो, से होकर नहीं जाता है सो so, देयर साइटिंग ऑफ दिस वर्ड इन इंडिया इन रशिया कोरिया जपान पार्ट ऑफ चाइनाज ऑल्सो कंसिड टू बर्ल्ड मोस्ट ब्यूटिफुल डक ठीक है अलग अलग तरीका है लेकिन इसका कोई सब्जेक्टिव एनालिस नहीं है निक नेम दिया जाता है वर्ल्ड इज दिसक नाउ इंडिया की बात करें तो इंडिया में रेयरली uh,

कंजर्वेशन स्टेटस बहुत प्रॉमिसिंग uh, है लीस्ट कंसर्न है यानी कि कोई बहुत ज्यादा खतरा इन बर्ड्स को नहीं है और ये बर्ड्स जहां पे स्पॉट की गई हैं मागुरी मोटापुंग बील इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं दिस इज अ वेटलैंड एंड लेक लोकेटेड नियर टू डिब्रू साइवा नेशनल पार्क एंड मोटापुंग विलेज ऑफ तिनसुकिया आसम ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया है जिसको बी ने आइडेंटिफाई किया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज ऑल्सो एफिलियटेड टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है ये एक एनजीओ है जो बर्ड uh, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए काम करता है एंड बर्ड वाइल्ड लाइफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे इस मागुरी मोटापुंग बिल को भी आइडेंटिफाई किया है एक और होमवर्क मैं आपके लिए लेकर आया हूं वट इज दिस बिल इस बिल का मतलब क्या है ये आप लोग फाइंड आउट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आसाम की पूरी जो ब्रह्मपुत्रा वैली है वहां पर आपको बहुत सारे बिल देखने को मिलते हैं दीपोर बिल एंड रामसर साइट एज वेल एज दीपोर बिल इज आल्सो पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ नेचुरल हेरिटेज साइट्स तो ये जो दीपोर बिल है आपका uh, मापोरी मोटापुंग बिल है इस बिल का क्या मतलब होता है वो चीज आप लोग मुझे फाइंड आउट करके बताने वाले राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर दिस क्वेश्चन इज अबाउट थ्री सिटीज इन द वर्ल्ड एंड ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में हमें थ्री स्टेटमेंट्स दिए गई हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट स्टेटमेंट सर इट इज एन इंटरनेशनल एफर्ट

किसने इसको इंप्लीमेंट किया किसने इसको लॉन्च किया कौन इसको फंड कर रहा है बाई हुम दिस पर्टिकुलर प्लान इज बिंग रन वो पूछ लिया गया है थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर चंडीगढ़ हैदराबाद बिकेम द सेकंड इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटीज ऑफ ट्री रिक्नाइज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड तो ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि इस पर्टिकुलर स्कीम का इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है बाउट एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनी प्रोग्राम विच इज बिंग डन ऑन द इंटरनेशनल लेवल चाहे वो जोग्राफी से जुड़ा हो इन्वायरमेंट से जुड़ा हो इकोनमी से जुड़ा हो पॉलिटी से जुड़ा हो आपको कुछ पॉइंटर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है कि वो जो प्रोग्राम है वो जो स्कीम है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले उसका एम क्या है क्यों ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कौन इस प्रोग्राम को चला रहा है कैसे इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है यानी कि क्या क्या उस प्रोग्राम के अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है तो वो आपको पता होने चाहिए एंड फाइनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट शुड ऑल्सो बी देर क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है तो जरूर कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट होगा इंडिया पे कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा और वो चीज भी आपको टेस्ट की जाएगी ये आपके पॉइंट जरूर से जरूर कवर होने चाहिए राइट सो इफ वी टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट अर्बन फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव चलाया जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि इट इज जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बायो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ये जो प्रोग्राम है यू यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एक एनजीओ ने मिलकर लॉन्च किया है यूनेस्को और डब्ल्यू का इसमें कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है देन इंडिया की अगर हम बात करें तो हैदराबाद इज द फर्स्ट सिटी टू बी ट्री ट्री कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड तो हैदराबाद से पहले कोई इंडियन सिटी नहीं थी हैदराबाद इज द फर्स्ट एंड ओनली सिटी राइट नाउ सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इन करेक्ट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए ओनली ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑल अदर स्टेटमेंट दे आर इन करेक्ट तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की क्योंकि हैदराबाद जो कि तेलंगाना स्टेट का कैपिटल है इसको 2020 ट्वेंटी द वर्ल्ड के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द आर्बर डे फाउंडेशन एंड यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर सो वट इज दिस प्रोग्राम सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल एफर्ट टू रिक्नाइज सिटीज एंड टाउन टू इंश्योरिंग अर्बन फॉरेस्ट आर सस्टेनेबली मैनेज एंड ड्यूली सेलिब्रेटेड यानी अर्बन एरियाज में ग्रीन कवर और ट्री कवर को बेसिकली आप इंक्रीज इन, करेंगे कुछ पैचेस ऑफ फॉरेस्ट ग्रो करेंगे उनको मेंटेन करेंगे और उनको सस्टेनेबली मैनेज करेंगे इसके बाद 2018 वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फ़ॉरेस्ट्स इन मॉन्टुआ इटली यहां पर जो ये वर्ल्ड फोरम हुआ वहां पे ये इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया बाय द यू एन एफ यू ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन यूएसए का एनजीओ है एक एंड द फू एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है मोर देन हंड्रेड सिटीज़ फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड हैव ऑलरेडी रिकग्नाइज एज अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और जो पांच स्टैंडर्ड्स किसी भी सिटी को फुलफिल करने होते हैं इस प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए वो पांच स्टैंडर्ड्स भी मैंने यहां पर आपको लिख के बता दें इनको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में कि आपको सीधा सीधा क्राइटेरिया कंडीशन पूछ ली जाती है वहां पर आपको यह बहुत हेल्प करने वाला है इसके बाद हैदराबाद की बात करते हैं हैदराबाद इज ओनली सिटी इन इंडिया टू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस दिस रिकॉग्निशन राइट एंड हैज मोस्टली हैपेंड आई थिंक बिकॉज ऑफ रीप्लांटेशन और रीफॉरस्टेशन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय दी तेलंगाना गवर्नमेंट चाहे हरिता हरम प्रोग्राम हो अर्बन फॉरेस्ट पार्क का प्रोग्राम हो इन दोनों प्रोग्राम्स ने मिलकर ग्रीन कवर को काफी इनहैंस करने का काम किया है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना पर्टिकुलरली इन स्टेट इन सिटी ऑफ हैदराबाद राइट हमने थ्री एनिमल स्पीशीज को लिस्ट किया है सिला कैंथ हॉर्स शू क्रैप एंड जिंकोट्री एंड आउट ऑफ दीज थ्री स्पीशीज विच ऑफ दब आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स वो हमें बताना है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉट इज अग फॉसिल फॉसिल इज समथिंग विच इज अ रिमेन ऑफ एनी डेड ऑर्गेनिज्म ठीक है सिर्फ बात करते हैं तो फॉसलॉर्स एंशियंट ऑर्गेनिट्रा तो वो तो होता है फॉसिलिविंग फॉसिल क्या होता है कुछ एनिमल की स्पीशीज आज के समय में भी ऐसी हैं जिनकी एवोल्यूशन बहुत कम हुई है उनके एक्सेप्शन uh, के टाइम से फॉर एग्जाम्पल देर इज अज लेटेस्ट से हंड्रेड मिलियन इयर्स अगो स्टार्ट हुई ओरिजिनेट हुई वे स्पीशीज अस नेम दिस स्पीशीज एस स्पीशीज ए हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के प्रेजेंट के टाइम तक कोई भी एनिमल स्पीशीज आप उठाएंगे उसमें काफी ज्यादा इन एवोल्यूशन हो चुका होगा वो स्पीशीज अलग अलग दूसरी स्पीशीज में डाइवर्ट भी हो चुकी होंगी ठीक है सो हंड्रेड मिलियन ईयर के अंदर एवोल्यूशन चलता रहा है लेकिन ये जो हमारा लिविंग फॉसिल होता है ये वो एनिमल्स होते हैं जो बहुत एंशियंट टाइम से डायनासोर्स के टाइम से यानी जोरासी के या उससे पहले के टाइम पीरियड से एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लैनेट के ऊपर और उनमें कोई बहुत ज्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ है ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल तो कौन सा लिविंग फॉसिल है इन तीनों में से ऑल दीज थ्री आर एक्सम्पल्स ऑफ लिविंग फॉसिल्स और हम क्वेश्चन की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज सम पेलियंटोलॉज

बट इसके फॉसिल्स जो हमें मिल रहे हैं सेम स्पीशीज के फॉसिल्स जो हमें मिले हैं वो डायनासोर्स के एज से भी पुराने फॉसिल है इसका मतलब दिस फिश वाज एग्जिस्टिंग बिफोर द डायनासोर्स एंड इज करेंटली एग्जिस्टिंग आल्सो विद वेरी लिटिल एवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड सो दिस स्पीशीज इज अ डीप सी क्रीचर लिविंग इन डेप्थ अप टू टू फीट बिलो द सर्फिस वर थॉट टू हैव गॉन एक्सटिंक्ट विद द डायनासॉर्स जब डायनासॉर्स का मास एक्सटेंशन हुआ था सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स उस टाइम पर सोचा जा रहा था कि इस फिश uh, का

कॉस्ट ऑफ इंडोनेशिया जहां पर सुलावेसी आइलैंड लोकेटेड है यहां पर हमको ये फिश देखने को मिलती है लिविंग फॉसिल है क्योंकि लगभग अनचेंज रहा है अपने इनिशियल टाइम से ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स दिस स्पीशीज हैज नॉट सिग्निफिकेंटली इवॉल्व इसी के साथ हॉर्स शू क्रैप जिंको ट्रीज दीज आर अगेन एक्जाम्पल्स ऑफ सच लिविंग स्पीशीज एंड ये जो स्पीशीज हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इवॉल्व नहीं होती हैं दे विल बी इवॉल्विंग एल बीट वेरी स्लोली ठीक है तो इन स्पीशीज के बारे में आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए वट इज अ लिविंग फॉसिल एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो लिविंग फॉसिल के हैं वो भी आपको पता होने चाहिए और इसके बाद अगर हम आयुसीएन स्टेटस की बात कर रहे हैं आयु स्टेटस में क्रिटिकली uh, इंडेंजर्ड है आपका सीलो कैंथ सोलाज लिस्टेड एज वलरेबल जो अफ्रीकन कोस्ट पे मिल रहा है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडोनेशियन कोस्ट में मिलने वाली ये जो फिश है वो वलनरेबल है और साइट्स के अकॉर्डिंग अपेंडिक्स वन में इसको लिस्ट किया गया है जिसका मतलब अगर इसका ट्रेड करना चाहते हैं आप इंटरनेशनल uh, ट्रेड होना चाहता है स्पीशीज में तो वो भी हाईली रेगुलेटेड है स्ट्रिक्टेस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ स्पेसिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज क्लियर है दोस्तों सो so, इसी के साथ हमारा ये जिज्ञासा का सेशन हम लोग यहां कंक्लूड करेंगे एंड अलाउ मी टू टेल यू अबाउट दी एक्साइटिंग कोर्सेज जो सिविल स्टाफ आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है चाहे 6000 रुपइस के अंदर आपका सी सेट का डेडिकेटेड कोर्स हो या फिर फोर फोर नाइन नाइन रुपीज के अंदर योर ऑल दी करंट अफेयर्स फ्रॉम मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टेल मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन वो आपको कवर करवाए जाए इसके साथ ट्वेंटी ट्वेंटी के प्रिलिम्स के लिए वी हैव लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स ठीक है मीनस के लिए भी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स रेडी है प्रिलिम्स के लिए भी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स जो है वो रेडी है देन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू के एग्जाम के लिए भी वी हैव लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बोथ फॉर प्रिलम्स एंड मेन्स यहां पर आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन को इंश्योर किया जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड

आप पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद